अच्छा सुनो श्याम, कल हाँ? मेरा भाई रौनित आ रहा है। क्यों आ रहा है वो यहाँ पे? अरे कल भाई दूज है ना, तो वो मुझसे मिलने आ रहा है। मना कर दो उससे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाई दूज पे भाई तो मिलने आएगा ना बहन से, अब वो क्यों नहीं आ सकता घर पे? अरे ऐसा है ना पूजा, कि मेरा और इस घर में क्या होगा ये मैं डिसाइड करूँ, कौन आएगा मैं बताऊँ। जरा अपना दिमाग मत चलाओ, कितना नहीं चाहिए मुझे वो यहाँ पे। नमस्ते जीजू। पूजा, ये इंसान मेरे घर में क्या कर रहा है? आप कैसी बातें कर रहे हो? आज भाई दूज है, वो मुझसे मिलने आए हैं भाई दूज मनाने के लिए। ये मेरा घर है, कोई आश्रम नहीं। जब कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर आएगा यहाँ पे फ्री की रोटी खाने के लिए, इसको उठा के बाहर फेंको यहाँ से। दीदी मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, वरना मेरे चक्कर में आप दोनों के घर में भी कलेश हो जाएगा। रुको रौनित, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। और तुम्हें क्या हो गया, पागल पागल हो गया हो क्या? मेरा भाई मेरे घर में क्यों नहीं रह सकता? मैं बोल रहा हूँ ये यहाँ नहीं रह सकता, मतलब नहीं रह सकता। अभी के अभी इससे बोलो यहाँ से जाए, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा इसके ऊपर। मुझे रीजन जानना है, आखिरकार रीजन है क्या, मेरा भाई मेरे घर में क्यों नहीं आ सकता? रीजन जानना है तुम्हारे लिए, भूल गई क्या? कुछ दिन पहले मेरे पापा का कॉल आया था तुम्हारे फोन पर। कैसे हो? बताओ कैसे फोन किया? बेटा आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं सोच रहा था शाम के पास आ जाऊं, थोड़ी सेवा कर लेना तुम लोग। अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो हमें अपनी लाइफ एंजॉय करने दो। मैं अभी आपकी सेवा नहीं कर सकती, आप प्लीज वहीं रहो। क्या हुआ, अब जुबान नहीं निकल रही तुम्हारी? अब बुला के दिखाओ अपने खानदान के किसी भी इंसान को इस घर के अंदर। अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। अरे मेरा ख्याल ना रखो चलेगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरा बाप, उनकी भी इज्जत नहीं है तुम्हारे दिल के अंदर? अरे उनकी बदौलत ही ये घर में बैठी हो तुम, उनकी बदौलत ही मैं इस लायक बनाऊ जो तुम्हारे लिए खिला रहा हूं, और तुम्हारे रिश्तेदार इस घर में आते हैं। अगर वो मुझे इस लायक ना बनाते ना, तो एक एक रोटी के लिए तरस जाती तुम और मैं दोनों। एक बात ध्यान रखना पूछो, मैं वो इंसान नहीं हूं जो अपनी बीवी के लिए अपने माता पिता को छोड़ दे, उनके लिए बाहर फेंक दे। मैं तुम्हें घर से बाहर निकालना गवारा करूंगा अपनी माता पिता की जगह, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, समझ में आया? और अब जो तुमने गलती करी है वो माफी के लायक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम्हारे भाई के सामने बोलता हूँ, मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ। श्याम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे पापा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और प्लीज मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मुझे इस घर से मत निकालो। माफी मुझसे मत मांगो, तुमने दिल उनका दुखाया है, माफी उनसे मांगनी चाहिए पूजा। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, और हाँ मैं पापा से माफी मांग लूंगी, मैंने उनको जो जो भी बोला था सबके लिए। पक्का दिल से बोल रही हो ना तुम? पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, किया तुम्हारे लिए माफ, लेकिन याद रखना अगर तुमने दोबारा मेरा भरोसा तोड़ा ना, तो ये इंसान तुम्हारा पति नहीं रहेगा और ना तुम इसकी पत्नी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं तुम्हारी फैमिली को कभी भी हर्ट नहीं करूंगी, कुछ भी गलत नहीं बोलूंगी। ठीक है मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो साले साहब? ये घर तुम्हारी दीदी का हो ना हो, लेकिन तुम्हारे जीजा का है। वो तो मैंने तुम्हारी दीदी को सबक सिखाने के लिए किया था, वरना मैं तुम्हें तो कभी घर से बाहर निकाल ही नहीं सकता। चलो बैठ के बातें करते हैं, तुम पूजा की थाली तैयार कर लो। जी अभी लाई। आओ।